तुलसी घाट वाराणसी के प्राचीन घाटों में से एक है। तुलसी घाट का नाम कवि तुलसीदास जी के नाम पर रखा गया था। इतिहास के अनुसार रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखने के दौरान तुलसीदास जी इस स्थान पर रहते थे। इस कारण से इस घाट को तुलसी घाट के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1941 में बलदेव दास बिड़ला द्वारा सर्वप्रथम तुलसी घाट को पक्का बनवाया। तुलसी घाट का पुराना नाम लोलार्क घाट था। यह बाद में संत तुलसीदास जी के नाम पर 16वीं सदी इसका नाम बदल दिया। भाद्रपद महीने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। संत तुलसीदास जी द्वारा इस घाट पर श्री कृष्ण लीला का आरंभ किया गया, जो अभी तक कायम है, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि से आरंभ होकर अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि तक होती है, जिसमें नागनथैया, चारलखी मेला, दशावतार झांकी, रास लीला मशहूर है। काशी नरेश द्वारा नागनथैया में स्वर्ण मुद्रा दी जाती है। इस घाट पर संत तुलसीदास जी द्वारा एक हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ नियमित रूप से संकट मोचन मंदिर की राम नाम संकीर्तन के बाद कीर्तन करने वाले भक्तगण तुलसी घाट स्थित हनुमान मंदिर में कीर्तन करते हैं। लोलार्क कुंड उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर बनारस में तुलसी घाट के निकट स्थित एक कुंड है। मान्यता अनुसार यह अति प्राचीन है तथा इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कालांतर में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट करवाई थी। इसी के समीप लोलाकेश्वर का मंदिर है। भादो महीने अगस्त सितंबर में यहाँ लखा मेला लगता है और तब काशी के इस लोलार्क कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 80 के भैदानी स्थित प्रसिद्ध लोलार्क कुंड पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का मेला लगता है। लखा मेले में लोलार्क पष्ठी या सूर्य षष्ठी स्नान की बड़ी मान्यता है और कहते हैं कि महादेव लोलार्केश्वर संतान प्राप्ति की कामना वाले दंपतियों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। लोलार्क कुंड में स्नान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ जुटती है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदिकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 44वां स्थान दिया गया। तुलसीदास जी रामानंदी के बैठ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।